हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्री एग्जाम क्रैकर अड्डा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज मैं कृषि से उर्वरक और उनका मृदा पर प्रभाव और विश्व की स्थानांतरणशील कृषि के बारे में आप लोगों को संक्षिप्त जानकारी दूंगा। उर्वरक और उनका मृदा पर प्रभाव यानी उर्वरक का जो गुण है वो मृदा पर किस प्रकार प्रभावित करता है, क्योंकि मृदा मित्रों तीन प्रकार की होती है, अम्लीय मृदा, उदासीन और क्षारीय मृदा। तो कुछ खाद ऐसे हैं जो क्षारीय हैं और कुछ उर्वरक ऐसे हैं जो आपका अम्लीय हैं। तो कौन सा उर्वरक अम्लीय है, कौन सा क्षारीय है, वो भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। और विश्व के जो स्थानांतरणशील कृषि हैं उनका नाम क्या है और क्षेत्र किस क्षेत्र में वो आते हैं, इस सब के बारे में मैं इस वीडियो में लेकर आ रहा हूँ। तो चलिए, वीडियो पूरा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखिए मित्रों, उर्वरक और उनका मृदा पर प्रभाव। उर्वरक मृदा पर प्रभाव, पहला उर्वरक है यूरिया। और आप लोग जानते हैं कि यूरिया जो है सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला उर्वरक है। यूरिया में आपका 46% नाइट्रोजन मिलता है, इसलिए सबसे ज़्यादा यूरिया का ही प्रयोग किया जाता है। तो यूरिया का जो मित्रों मृदा पर प्रभाव पड़ता है वो अम्लीय होता है। इसके बाद है अमोनियम सल्फेट, तो अमोनियम सल्फेट भी अम्लीय है। अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट क्षारीय प्रभाव देता है। अगर आप मृदा अम्लीय है तो आप अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग करेंगे तो मृदा धीरे धीरे अम्लीय से क्षारीय यानी उदासीन अम्लीय भूमि में सुधार होता है। अम्लीय भूमि में सुधार अगर आपको उर्वरक का प्रयोग करना है तो इसमें जो क्षारीय वाले उर्वरक हैं उनका अम्लीय भूमि में, और जो क्षारीय हैं क्षारीय भूमि है तो अम्लीय वाले जो है उर्वरक का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आपका आता है सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, तो ये भी क्षारीय हैं। अमोनियम क्लोराइड और निर्जल अमोनियम, ये भी आपका अम्लीय है। सिंगल सुपरफास्फेट, ये उदासीन है, ये ना तो अम्लीय है ना तो क्षारीय है। ट्रिपल सुपरफास्फेट, ये अम्लीय है। डाई कैल्शियम, ये भी आपका अम्लीय है। इसके बाद है आपका रॉक फास्फेट, तो इतना है, ये क्षारीय है। तो आप लोग देख सकते हैं कभी कभी क्या होता है कि भूमि अगर अम्लीय है और क्षारीय है तो उसके सुधार के लिए भी उर्वरकों का प्रयोग करके भूमि को सुधारा जा सकता है। इसके बाद आप देखिए विश्व के जो है स्थानांतरणशील कृषि कौन कौन से हैं। एक तरफ हो गया नाम, एक तरफ हो गया क्षेत्र, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये भी आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला है टाबी, नाम टाबी आपका मालागासी में है। इसके बाद है हुमा, हुमा आपका जावा एवं इंडोनेशिया में है। इसके बाद है आपका चेन्ना, चेन्ना आपका श्रीलंका में है। मिल्या कोनुल, ये आपका मैक्सिको में है। कोनुकू, ये आपका वेनेजुएला में है। इसके बाद है आपका रे, तो रे आपका वियतनाम और लाओस में है। लेदांग जावा एवं मलेशिया में है। और मसोले, ये आपका कांगो में है। तो ये जो है विभिन्न आपके जो है स्थानांतरणशील कृषि हो गई। तो ये रहे मित्रों मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके परीक्षा उपयोगी प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।